बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और एसटीसी सवा या जवी की सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता नहीं है कि नंबर किस तरह चेक करना है इसका। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको नंबर बहुत आसान तरीके से चेक करना बताएंगे, एक यूएसएसटी कोड के ज़रिए। यानी कि आप एक कोड मिलाएंगे, आपका नंबर सामने ज़ाहिर हो जाएगा। अब ये पता करना है कि ये जवी की सिम है या एसटीसी की, क्योंकि जो जवी की सिम है वो एसटीसी की कंपनी की सिम है। तो रंग से पता चलेगा जब आप सिम निकालेंगे, जो जवी की सिम है उसकी जवी लिखा होगा और उसका रंग होगा पीला। सवा की सिम है उसका रंग होगा नीला, उस पर एसटीसी लिखा होगा। तो चलिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह चेक करना है कि आपका जो नंबर है जवी या एसटीसी का नंबर क्या है। आपने जो डायल पैड होता है जहाँ पर आप नंबर डायल करते हैं उसको ओपन कर लेना। देखें ये वाला लास्ट में, यहाँ पर आप नंबर मिलाते हैं कॉन्टैक्ट किसी को कॉल करने के लिए। इस पर आपने कर देना करेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको यूएसएसडी कोड बताता हूँ, यानी कि ऐसा कोड जो थोड़ा वर्किंग करेगा और आपको जवी या सवा का नंबर निकाल के बता देगा। तो मैं जवी का भी नंबर निकाल के बताता हूँ और सवा का भी। तो यहाँ पर आपने डायल कर देना है *150# ठीक है, *150# डायल करके आपने नंबर को यानी कि कॉल मिला देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें नीचे यूएसडी कोड रनिंग हो रहा है और नीचे ये हमारा नंबर ये शो हो गया। ये देखें, ये नंबर है जवी का। और इसी तरह आप सवा का नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सवा का नंबर सिम टू में है वो चेक करके बताता हूँ, *150#। ठीक है, नीचे ये जवी भी लिखा आ रहा है और यहाँ पर क्लिक करके आपने सिम चेंज कर लेनी है। देखें सिम टू आ गया है यहाँ पर। तो हम दोबारा इसको क्लिक करते हैं, ये कॉल वाले बटन को यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस तरह हमारा दूसरा नंबर शो हो जाएगा सवा का। तो ये देखें दूसरा नंबर हो गया है सवा का शो। तो इस तरह आसानी से जो जवी या सवा का नंबर चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।